नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। इस देश का किसान मांग कर रहा है कि मुझे इज्जत दो। इस देश का युवा ये मांग कर रहा है कि मुझे रोजगार दो। मगर जो सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टी हमें धर्म में, हिंदू मुस्लिम में फंसा कर रखना चाहती है, कि क्या वाकई वो उनकी मांग को सुनेंगे या एक बार फिर सियासत के चलते उसे अनसुना कर दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक मुझे इस बात को लेकर चिंता थी कि किसान आंदोलन को क्या होगा, क्या किसान आंदोलन बिखर रहा है। मगर देश का किसान, जिसे मीडिया ने लगातार टारगेट किया है, पूरे प्रचार तंत्र ने लगातार टारगेट किया है, वो बार बार ये प्रमाणित कर रहा है कि सरकार के दम के सामने वो किस तरह से अपनी सूझबूझ से, अपनी ईमानदारी से अपने आंदोलन को पुनर्जीवित कर रहा है। और उसके प्रमाण एक एक करके मैं आपके सामने देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, संजीव बालियान शामली पहुंचते हैं। दोस्तों, शामली पहुंचते हैं और वहां पर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। इस वीडियो में देखिएगा, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। संजीव बालियान बाहर निकलते कहते, 10 लोगों के नारे लगाने से कोई मुर्दाबाद नहीं हो जाता। शायद संदीप बालियान, जो सामने हकीकत दिखाई दे रही है, जो आईना दिखाई दे रहा है, उसे देखने से इनकार कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा। संजीव बालियान की मुसीबतें यहां खत्म नहीं होती हैं। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, एक बुजुर्ग किसान नेता, उन्हें उठने तक में तकलीफ हो रही है। संजीव बालियान उनसे मिलने गए हैं। ये बुजुर्ग किसान नेता उनसे कह रहा है कि तुम यहां से चले जाओ, गुलाम मत बनो। और बेशक उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है, मगर वो अपनी आवाज किस आत्मविश्वास से रख रहा है, यह आपको सुनना होगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस किसान आंदोलन में हमें बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें सामने उभर कर आई, और एक तस्वीर मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ। मगर दोस्तों, इस बुजुर्ग किसान की बात सुनिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो कह रहा है, गुलाम मत बनो। और वो ये भी कह रहा है कि यहां से चले जाओ, संजीव बालियान के लिए संदेश है, सुनिए। तम हम गुलाम, मुझे तम जी भी एक टाइम कर लोगे सब किसान, ये तो बनते लगे। संजीव बालियान को दोस्तों इसी तरह से विरोध करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, इस बात से गृह मंत्री अमित शाह बेहद चिंतित हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी पार्टी के उनके सांसद हैं, सबको एक तरह से दौड़ा दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने बागपत में देखा था कि वहां के जो सांसद हैं सत्यपाल सिंह, वो पहुंच गए हैं, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। संजीव बालियान को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और किसान अलग अलग तरीकों से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखिएगा, किसान खुद अपनी फसल को जो है वो बर्बाद कर रहा है। कहने को ये छोटा सा नजारा है दोस्तों, मगर ये अपने आप में बहुत ही प्रतीकात्मक है। और इस बात से चिंतित खुद राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत ने इस तस्वीर पर, इस वीडियो पर क्या ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। किसान से अपील है कि ऐसा मत करें, ये करने के लिए नहीं कहा गया था। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि अपने अपने जरिए से किसान जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ये सरकार बेशक अहंकार के चलते उस किसान को नजरअंदाज कर सकता है, मगर वो नहीं जानता, वो नहीं जानती कि वो किस तरह से खुद के लिए कब्र खोद रही है, गड्ढा खोद रही है। दोस्तों, किसान अपने अपने अंदाज में आंदोलन कर रहा है, अपने खूबसूरत अंदाज में अपना संदेश दे रहा है। आपको ये रैली देखनी पड़ेगी किसानों की। बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से 2 लाख किसान यहां इकट्ठा हुए, मगर आप इस वीडियो को देखिए। जैसे जैसे ड्रोन के जरिए कैमरा जो है वो शिफ्ट होता है, आप देखिएगा भीड़ में अचानक एक सीमा खिंच जाती है, एक पंक्ति खिंच जाती है। एक तरफ पीला रंग, एक तरफ सफेद रंग। आप जानते हैं पीला और सफेद रंग क्या है? पीला रंग जो है वो महिलाओं का रंग है, यानी कि महिलाएं वहां मौजूद हैं, और जो सफेद रंग है वो पुरुषों का रंग है, यानी कि महिलाएं भी कपूरथला में पूरे दमखम के साथ इस आंदोलन में मौजूद हैं। और ये देखिए अपने आप में कितना खूबसूरत रंग दिखाई दे रहा है। मैंने इस कार्यक्रम में जो आपको तमाम मिसालें दी, ये तमाम प्रतीक हैं, ये रैलीज हैं। किसान जानता है कि उसे बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया है। कई रहस्यमय ताकतें उसके किसान आंदोलन को 26 जनवरी में आ गई थी बदनाम करने के लिए, जब लाल किले में कुछ लोग प्रवेश कर गए थे। हालांकि
उस वक्त भी मैं फिर दोहराना चाहता हूं, बार बार दोहराता हूं, निशान साहब का झंडा फहराने से तिरंगे का अपमान नहीं होता, मगर वहां पर निशान साहब का झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए था। तो मैं जो आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, किसान अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है, मगर आगे क्या, अब किसान क्या करेगा, एक एक करके मैं आपको तमाम चीजें बताना चाहता हूं। 23 फरवरी को किसान मनाएगा पगड़ी संभाल दिवस। आप जानते होंगे पगड़ी संभाल जट्टा, ये आह्वान किसी और ने नहीं बल्कि भगत सिंह ने दिया था जब वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। पगड़ी संभाल जट्टा, और पगड़ी संभाल से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है किसान की इज्जत, उसकी अस्मिता, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपने आंदोलन को अपनी अस्मिता से जोड़ रहा है 23 फरवरी को। उसके बाद 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस, और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा इस दिन किसान राष्ट्रपति कोविंद को एक विज्ञापन सौंपने वाले हैं, दमन विरोधी दिवस, क्योंकि किसान जानता है कि वो लगातार किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। इसके बाद 26 फरवरी को युवा किसान दिवस, जी हां, युवा किसान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर न सिर्फ बुजुर्ग किसान मौजूद हैं बल्कि युवा किसान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और कई लोगों की मौतें हुई हैं जिनमें 20, 21, 23, 24 साल के कई किसान थे जो कड़कड़ाती ठंड में हाइपोथर्मिया की वजह से जिनकी मौत हो गई। 27 फरवरी को किसान और मजदूरों की बड़ी तादाद में दिल्ली की सीमाओं का रुख वो करने वाले हैं, यानी कि किसान और मजदूर दोनों हाथ मिला रहे हैं। आज मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके सामने जो हकीकत दिखाई दे रही है, क्या उसको लेकर आप आंख मूंदे बैठे रह सकते हैं? और मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक अब तक किसान आंदोलन में 248 किसानों की मौत हो चुकी है, सिंघू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर, यानी कि जहां जहां किसान आंदोलन कर रहा है। मैं नहीं भूला हूं हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा था कि ये 200 किसान तो वैसे भी मर जाते, कहने को वो कृषि मंत्री हैं मगर उन्होंने किस तरह से किसानों की तौहीन की थी। आज जब देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये बयान देते हैं कि भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून नहीं हटाए जाते, तो मैं नरेंद्र तोमर जी से पूछना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से एक निहायत ही सभ्य इंसान है, जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जाता है, क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? जिस तरह से किसानों को भड़काया जाता है, जहां वो आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, उनके समर्थक जो हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वहां पहुंच के उनको भड़का रहे थे, क्या आप उस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? बातचीत में ये शख्स पीयूष गोयल भी शामिल है, और पीयूष गोयल ने बयान दिया था कि जब ये किसान नक्सलियों, अर्बन नक्सलियों की गिरफ्त से बाहर आ जाएगा, तब उसे किसान बिल के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। जो आदमी बातचीत कर रहा है किसानों के साथ, वो उन्हें बदनाम कर रहा है। नरेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आप, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है आप एक सभ्य इंसान, एक सिविलाइज्ड इंसान हैं। आपसे मैं मिला भी हूं निजी तौर पर, और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। मुझे लगता है किसान भी जब बातचीत कर रहा है ना, तो नरेंद्र तोमर के हाव भाव से, उनके अंदाजे बयां से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मगर इसी बातचीत में पीयूष गोयल भी हैं। वो पीयूष गोयल जिनके जो नेतृत्व करते हैं, इनका ट्विटर में एक अकाउंट है पीयूष गोयल ऑफिस, और पीयूष गोयल ऑफिस जो है, जो एक वेरिफाइड अकाउंट है, वो करीब 1,00,000 से ज्यादा गाली गलौज करने वाले ट्विटर ट्रोल्स को फॉलो करता है, कई ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और यही पीयूष गोयल किसानों से जब बातचीत कर रहे थे तो उनके धमका रहे थे कि मैं सबकी हकीकत जानता हूं, सबकी पोल खोल सकता हूं। ऐसे बातचीत होती है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि दबाव डालने से, विरोध करने से आप किसान कानून वापस नहीं ले सकते, तो आपके अपने तेवर क्या, क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? क्या आप हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज किसानों के समर्थन में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर में सवार होकर जो हैं वो विधानसभा पहुंचे। ये वीडियो देखिए और फिर मैं इसकी राजनीतिक अहमियत की बात करूंगा। ये क्या बतला रहा है
कि तेजस्वी यादव ट्रैक्टर के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा पहुंचने के लिए। यह क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुश्किल नहीं है, तेजस्वी यादव सरीखे नेता जो हैं वो लोग बिहार में किसानों का मुद्दा भी दमखम से उठाने वाले हैं और उठा रहे हैं। और ये वीडियो जो फिर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव जो हैं सवार होकर ट्रैक्टर पर पहुंचे विधानसभा, ये अपने आप में बहुत ही प्रतीकात्मक संदेश है और केंद्र सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, बीजेपी इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मुद्दे से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, क्योंकि कल ट्विटर पर लगातार जो है ट्रेंड कर रहा था मोदी रोजगार दो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मुद्दे को किसी और ने नहीं बल्कि वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी अपना समर्थन जतलाया है। मगर आपको यह सवाल करना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर युवा क्यों सड़क पर मौजूद है? युवा सड़क पर इसलिए मौजूद है दोस्तों क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछले 50 सालों में रोजगार को लेकर सबसे बदतर हालात है। और कल अगर ट्विटर पर यह बात ट्रेंड कर रही थी कि युवा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार मांग रहा था, तो उसे समझने के लिए मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि कर्मचारियों का चयन करने वाली संस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब स्लो सिलेक्शन कमीशन बन गया है। परीक्षा में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 25 फरवरी से छात्र इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रतियोगिता की पढ़ाई कर रहे छात्र और पढ़ा रहे शिक्षक भी केंद्र और चयन आयोग के खिलाफ हैं। इसमें ऑनलाइन कोचिंग और कई वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहे शिक्षक ने भी हल्ला बोल का ऐलान किया है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में, जी हां, आने वाले दिनों में भी इस आंदोलन को जो है वो उग्र किया जाने वाला है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जो कि कर्मचारियों का चयन करता है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है इस पर लगातार आंदोलनकारी सवाल उठा रहे हैं। वो युवा जो परेशान है रोजगार को लेकर, क्योंकि देखिए सच तो यह है कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि हम 1 साल में करीब 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब वो तो दूर की बात रही, मगर मैं हर बार जब भी मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल किया जाता है तो वो अक्सर गोलपोस्ट शिफ्ट कर देते हैं। वो कहते थे नहीं, रोजगार तो मिल रहा है मगर इस तरह से मिल रहा है, उस तरह से मिल रहा है। जो बुनियादी वादा था इनका युवाओं को लेकर, उससे ये पूरी तरह से पीछे हट गए। तो ना किसान खुश है और ना युवा खुश है। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस सरकार के पास एक तुरुप का पत्ता है, और वो तुरुप का पत्ता है धर्म, वो तुरुप का पत्ता है हिंदू मुस्लिम सियासत। और जहां पर भी वो कमजोर पड़ने लगते हैं उस सियासत का दाव खेल देते हैं। मैं आपको एक बात बतलाना चाहूंगा, कई लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है ना, वो ऐतिहासिक है, क्योंकि जाट और मुसलमान एक साथ आ गए। 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें जाट और मुसलमान एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मगर इस बार वो दोनों साथ साथ आ गए। मैं आप बात आपको एक दावे से कह सकता हूं दोस्तों, जैसे ही चुनाव आएंगे सब लोग या तो हिंदू के तौर पर या मुसलमान के तौर पर वोट करने लगते हैं, तब भूल जाते हैं कि किन मुद्दों पर हम साथ आए थे। यह बदल गया है 2015 के बाद, इसलिए जो लोग इसे बहुत क्रांतिकारी बता रहे हैं मुझे उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मुझे गलत साबित करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता मुझे गलत साबित करेगी। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।